वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और ये अस्तर वाला ब्लाउज है, ये इसका अस्तर है, ये ब्लाउज है। तो ड्राफ्ट हम पहले अस्तर पर कर लेते हैं उसके बाद ब्लाउज में। देखिए ब्लाउज की लंबाई मैंने 14.5 इंच लिया है और ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, 10 इंच लिया है। जब तैयार करेंगे तो 8 इंच आएगा, 2 इंच का इसमें मार्जिन है। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, मुड्डे 5.5 इंच और शोल्डर 6 इंच। अभी नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लेंगे और अभी लंबाई लेते हैं, 9.5 इंच ली है लंबाई। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक बॉक्स बना दिया है, अभी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 इंच ले ले और जो ये पॉइंट है यहाँ से इस तरह की शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके की शेप आएगी और ये सेम रहेगा। आप चाहें तो नीचे हल्का सा ब्रॉड भी कर सकते हैं और सेम ड्राफ्ट पर इसको कट कर लेते हैं। कंप्लीट हो चुकी है और अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। ब्लाउज को सीधा रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर रख लिया है और देखिए यहाँ से लेके जो हमारा नेक का शेप है यहाँ तक स्टिच कर देंगे और इस नेक को कट करके और नीचे भी हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे और बाद में इसको पलट देंगे। और जो हम इसमें डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताएँ। देने के लिए मैंने कुछ ट्रायंगल बनाए और ये ट्रायंगल कैसे बनाए वो आपको बताती हूँ। और देखिए कुछ मैं डिज़ाइन देने के लिए 2 पीस कट किए हैं मैंने, इसका साइज़ बता देती हूँ। इस एक ही साइज़ के देखिए 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 7 इंच है। तो इसी तरह के 2 पीस हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से इसको, ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा रख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टिच डाल देंगे, इसको पलट देंगे तो ये हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से इस पट्टी को भी और ट्रायंगल का साइज़ बता देती हूँ। ये 2 कलर के ट्रायंगल लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है और इसकी लंबाई भी 2 इंच चौकोर पीस है। तो देखिए इस पीस को हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई डाल देंगे और जो ये कोने इनको हम कट कर देंगे तो ये इस तरीके के ट्रायंगल तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने स्टिच कर लिया है और कमर में भी एक सिलाई डाल दी है तो अलग से फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसको पलट के फिनिशिंग डालते हैं। दोनों साइड में प्लेट डाल दिए और अभी जो मैंने कपड़ा लिया था उसको मैंने स्टिच करके पलट दिया है और जो सिलाई है ये पीछे की तरफ आ गई है। तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरीके की तैयार होगी। तो दोनों पीस मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए, अटैच करेंगे। तो उसके लिए ब्लाउज में भी सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और इस पार्ट में भी मार्किंग करके पहले यहाँ पर डिज़ाइन देते हैं और उसके बाद इसमें स्टिच करेंगे। इसको यहाँ पर बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लें और जैसे ब्लाउज है तो यहाँ पे देखिए हमने आयरन किया था तो लाइन बन रही है, नहीं तो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। और मैंने सेम कलर का धागा लिया है जिस कलर का हम ये कपड़ा ले रहे हैं और यहाँ से इस तरीके से इसमें बड़ी बड़ी सिलाई डाल। देखिए एक मैंने बटन लिया है, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं और बटन को यहाँ पे स्टिच कर देंगे इससे यहाँ पे। देखिए इसी तरह से मैंने ये दोनों डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं। इन डिज़ाइनों को हम यहाँ पर नेक में स्टिच करते हैं। तो देखिए नीचे से कमर से हम इस तरीके से ले लेंगे क्योंकि नीचे थोड़ा लेस भी आने वाली है तो लेस के लिए मार्जिन छोड़ देते हैं और एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमारा मार्जिन बराबर होना चाहिए, नेक की तरफ और इस साइड में। और स्टार्ट करते हैं ये डिज़ाइन को सेंटर में लेते हुए। देखिए ये दोनों साइडों में मैंने स्टिच कर दिया तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हमारी ये डिज़ाइन बन गई है। बीच में येलो कलर दिखेगा, नीचे भी दिखेगा। और देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने डबल कलर में ले आए तो ये डबल कलर में इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारे पूरे नीचे तक यहाँ तक आएंगे। तो ये ट्रायंगल कैसे बनाए वो आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको कपड़े का साइज़ बता ही दिया है तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे
और एक बार फिर से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग डाल देते हैं। स्टिचिंग डाल दिया है और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो जो कोन है इसको कट ट्रायंगल सभी तैयार हो गए और आप अपने साइज के अनुसार ये ट्रायंगल बना सकते हैं। अभी लगाने का तरीका बताते हैं। वह हाफ इंच छोड़ दें जो कि आगे के पार्ट में आप स्टिचिंग करेंगे और बाद में स्टार्ट करते हैं। साइडों में मैंने ये ट्रायंगल लगा लिए हैं। ये मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है जो कि एक लाइन हम यहाँ से लेके कमर से यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे और एक लाइन आएगी हमारी पूरी ऊपर से शोल्डर से यहाँ तक और एक लाइन जाएगी पूरी स्ट्रेट कमर में। और देखिए एक लाइन हमारी शोल्डर की तरफ जा रही है और कुछ मैंने मोती लिए हैं गोल्डन कलर के और ये जो डिज़ाइन है हमारे ट्रायंगल यहाँ पे एक एक मोती स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने सेम कलर का धागा ले लिया है जिस कलर का ट्रायंगल है और यहाँ से ब्लाउज के नीचे से निकालते हैं। इसके बाद जो ट्रायंगल है इसके ऊपर निकाल देंगे। ये मैंने पूरे स्टिच कर दिए हैं दोनों साइडों में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी इस तरह की शेप आ रही है, बटन भी आ रहे हैं, ये डिज़ाइन आ रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लेस भी आ रही है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये दो कलर में ट्रायंगल लगाए हमने तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।